नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सबका हमारे चैनल लाइफ इज ब्यूटीफुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तत्काल पासपोर्ट के बारे में। जब भी हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमारे दिमाग में सैकड़ों सवाल घूमते हैं, लेकिन जब तत्काल पासपोर्ट की बात होती है तो सवाल बहुत सारे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगा तत्काल के बारे में, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी भी तरह के इनकन्वीनियंस जो पासपोर्ट ऑफिस को आपको हो सकता है उससे आप बच सकें। दोस्तों, हम डिटेल में जाने से पहले हम तत्काल पासपोर्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जानते हैं, उसके बारे में हिस्ट्री जानते हैं। दोस्तों, तत्काल पासपोर्ट की जो सर्विसेज, तत्काल पासपोर्ट इश्योरेंस की जो स्कीम हुई थी, वो लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 2000 को। सबसे पहले दोस्तों, तत्काल स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, वो इंश्योर करती है इश्योरेंस ऑफ पासपोर्ट विद इन 7 डेज। मतलब दोस्तों, अगर आपने अप्लाई किया है तत्काल स्कीम के अंदर तो 7 दिनों के अंदर आपको पासपोर्ट की डिलीवरी पासपोर्ट ऑफिस आपको इंश्योर करवाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट पहले था, अभी ये पिछले अराउंड 6 मंथ्स 1 ईयर से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पासपोर्ट ऑफिस ने लेना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट होता था जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स इशू करते थे सामान्यतः, और उसमें वो क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करते थे, जिसके बेसिस पे पासपोर्ट ऑफिस वाले तत्काल में आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते थे। लेकिन दोस्तों, लिबरलाइजेशन के बाद पासपोर्ट ऑफिस ने वीसी का जो प्रोविज़न था वो ख़त्म कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं फ़ी की। दोस्तों, तत्काल फ़ी जो होता है वो 2000 रुपये है, वो चाहे किसी भी तरह का आप अप्लाई करो, चाहे वो फ्रेश में हो, रीशू में हो, चाहे जंबो के लिए हो, चाहे ऑर्डिनरी हो, किसी भी केस में। दोस्तों, अगर नॉर्मल पासपोर्ट के लिए जा रहे हो तो नॉर्मल पासपोर्ट का फ़ी एडिशनल होगा, जंबो का एडिशनल होगा। तत्काल फ़ी इज ऑनली 2000 रुपी। दोस्तों, तत्काल फ़ी भी वो तब लेते हैं जब आप पासपोर्ट ऑफिस को विजिट करेंगे और कंसर्न हेड ऑफ़ द पीएस के, जो उस पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो हेड होगा, वो डिसाइड करेगा कि आपका एप्लीकेशन तत्काल में एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर वो करता है हाँ, तो उसके बाद वो उसे आगे आपको प्रोसेस करेंगे और उसके लिए आपको 2000 रुपये वहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों, जो तत्काल फ़ी होता है आपको ऑनलाइन पे नहीं करना होता है, आपको वो पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाने के बाद ही पे करना होता है। दोस्तों, कुछ कैटेगरीज ऐसी है जिसको तत्काल पासपोर्ट नहीं इश्यू हो सकता। दोस्तों, मैं कुछ उसका नाम लेता हूँ, आप स्क्रीन पर भी उसको दे सकते हैं। लॉस्ट स्टोलन केसेस, मतलब जिन लोगों का पासपोर्ट लॉस हो गया है या जिनका पासपोर्ट गुम हो गया है, चोरी हो गया है, जिन लोगों ने सिटीजनशिप लिया है इंडिया में, मतलब कि वो बाय बर्थ वो इंडियन नहीं है, उन सब के लिए तो उन सब का भी तत्काल स्कीम में एक्सेप्ट नहीं हो सकता। जो विदेश से रिपैट्रिएट हुए हैं इंडिया को गवर्नमेंट कॉस्ट पे, उनका भी एप्लीकेशन जो है तत्काल में एक्सेप्ट नहीं हो सकता। जिनका चेंज ऑफ अपियरेंस हो, चेंज ऑफ सेक्स हो, नेम में मेजर चेंज हो, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन हो, प्लेस ऑफ बर्थ करेक्शन हो, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउज नेम चेंज हो, सिग्नेचर में चेंज हो, नागालैंड ओरिजिन के हों, जेएनके के हों, एडॉप्टेड चिल्ड्रेन हो, डाइवोर्स पेरेंट्स हो जिनके, जिन बच्चों के, शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट अगर आपको इश्यू हुआ है, अगर पासपोर्ट आपका डैमेज्ड हो बहुत ही ज़्यादा, तो भी आपका तत्काल स्कीम के अंदर कंसिडर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की, जो आगे हम देखते हैं। दोस्तों, जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे हम 3 पार्ट्स में बांटना ज़्यादा सही समझेंगे। दोस्तों, 3 पार्ट में बांटना, जो फ्रेश पासपोर्ट्स हैं उनके लिए, और जो रीइश्यू पासपोर्ट है उससे भी हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं, अगर फ्रेश पासपोर्ट की बात कर रहे हैं तो माइनर्स के केस में। दोस्तों, माइनर की जब बात कर रहे हैं तो माइनर को भी 2 पार्ट्स में हम बांटेंगे। दोस्तों, एक लेस देन 15 ईयर्स। दोस्तों, अगर हम लेस देन 15 ईयर्स की बात करते हैं तो इनके केस में जो क्या होगा, NHJD जरूरत है, दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट का प्रेजेंस मैंडेटरी है, NHJD लेके जाना पड़ेगा, NHJE जो कि एक डॉक्यूमेंट है जो हर एक तत्काल एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होता है, दैट इज मैंडेटरी। उसके अलावा दोस्तों,
आपका एक डॉक्यूमेंट जो जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो वो सफिशिएंट होता है दोस्तों। हालांकि 3 डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप बच्चे का अगर 3 डॉक्यूमेंट है दैट इज ओके, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। दोनों पेरेंट्स का प्रेजेंस हो या दोनों पेरेंट्स का अगर पासपोर्ट है उसमें हस्बैंड का नाम इंडोर्स है, हस्बैंड या वाइफ का नाम इंडोर्स है और दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स प्रेजेंट है और दोनों का पासपोर्ट वैलिड पासपोर्ट सामने है तो किसी भी एक डॉक्यूमेंट पे भी बच्चे का पासपोर्ट तत्काल में एक्सेप्ट हो सकता है। अगर नहीं है तो 3 डॉक्यूमेंट का प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पेरेंट्स का प्रेजेंस मैंडेटरी होगा दोस्तों एक मोर देन 15 ईयर्स। अब सेकंड केस में आते हैं जब बच्चे का एज मोर देन 15 ईयर्स हो। अगर दोस्तों मोर देन 15 ईयर्स है और अगर आप 10 ईयर्स पासपोर्ट चाहते हो तो प्रोसीजर डिफरेंट होगा। एंड अगर आप मोर देन 15 ईयर्स हैं लेकिन लेस देन 18 ईयर्स हैं और आप 3 ईयर साल का पासपोर्ट अप टू एज 18 का ही पासपोर्ट चाहते हैं तो जो प्रोसेस है वो बच्चों की तरह ही होगा, जो बाकी बच्चों का प्रोसेस है वही सेम टू सेम होगा। अब बात करते हैं दोस्तों मेजर की बात करते हैं, जो एडल्ट्स हैं उनके लिए क्या है दोस्तों। उनको 3 डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, 3 डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पार्टिकुलर्स करेक्ट हो दोस्तों। इसमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट में आपका बर्थ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर उन तीनों में से किसी में नहीं है तो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर ECNR के डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो ECNR डॉक्यूमेंट आपको इन एडिशन आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब दोस्तों सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए जो प्रोसेस है सेम टू सेम एडल्ट्स की तरह ही है लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। लाइक अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो एंड साथ साथ एक पेंशन पेमेंट ऑर्डर। जब वो रिटायर होते हैं तो उन्हें पेंशन पेमेंट ऑर्डर मिलता है अगर उसे लेके जाएंगे, और एक डॉक्यूमेंट ऐसा जिसमें उनका करंट एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ दोनों हो वो लेके जाएंगे तो उनको पोस्ट पे भी मीन्स तत्काल में एक्सेप्ट हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। ये तो नॉर्मल सभी के लिए हो गया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका हम तत्काल में पासपोर्ट प्रोसेस नहीं कर सकते जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो एक्सेप्शंस हैं लाइक अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर मान लो वो एनेक्जर ए देते हैं तो उनका बिना पुलिस इंक्वायरी के पासपोर्ट एक्सेप्ट होता है नॉर्मली भी, तो अगर वो तत्काल में अप्लाई कर सकते हैं तत्काल में उनका ऐसे भी एक्सेप्ट हो जाएगा अगर एनेक्जर ए लेके जाते हैं तो। दोस्तों उसी तरीके से रीइशू केसेस की, रीइशू केसेस पे दोस्तों जो होता है आपका जो पासपोर्ट का जो प्रीवियस जो पासपोर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट पुलिस इंक्वायरी होगी या नहीं होगी, तत्काल में एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये सब उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आपका जो प्रीवियस पासपोर्ट है वो अगर वैलिड है अभी तो जो आपका जो तत्काल में एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा ये इस बात पर डिपेंड होता है कि लास्ट टाइम आपका पुलिस इंक्वायरी हुआ था या नहीं हुआ था, और हुआ था तो उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया था उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो जब पासपोर्ट सेवा केंद्र को विजिट करेंगे तो वहाँ पे कंसर्न्ड APO या जो भी DPO हो मीन्स हेड ऑफ द PSK जो भी हो वो देखने के बाद डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों इसके अलावा आपका अगर जैसे मैं पहले एक्सक्लूडेड कैटेगरी की बात कर चुका हूँ, अगर आपका अपीयरेंस चेंज हो, कुछ आप करेक्शन चाहते हो तो वो तो भी वो डिसाइड करेंगे वो किस तरह का चेंजेज है उसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों मोर देन 3 अगर आपका एक्सपायर हुए मोर देन 3 ईयर्स हो चुके हैं तो क्या होगा दोस्तों, उस केस में आपका पासपोर्ट वैलिड एकदम से नहीं है तो इस केस में क्या करेंगे, वो एक सिंपल से एक ID प्रूफ के रूप में आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हो 3D के अंदर, और बाकी दो अगर डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो आपका वो तत्काल में एक्सेप्ट कर लेंगे। और भी काफ़ी सारे केसेस हैं जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, दो आर एक्सेप्शंस ओनली। दोस्तों इसके बाद बात कर दोस्तों किसी का, मान लो कि कोई एप्लीकेंट है जिसका पासपोर्ट अभी मान लो आज जो दिनांक है वो है 3 दिसंबर 2019। मान लो किसी का दोस्त फ्रेंड्स 15 जनवरी 2016 को एक्सपायर कर गया तो ये मोर देन 3 इयर्स में हो गए। लेकिन दोस्तों अगर किसी का मान लो कि 15 जनवरी 2017 को एक्सपायर हुआ, ठीक है दोस्तों, तो इसे जब हम तत्काल के लिए प्रोसेस करना हो या नॉर्मली भी प्रोसेस करना हो रीइशू के लिए तो इसे हम वैलिड पासपोर्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं, पासपोर्ट ऑफिस वाले उसे ट्रीट करते हैं।
तो इसमें जो वैलिड पासपोर्ट के लिए टर्म्स एप्लीकेबल होगा, सेम टू सेम सारे टर्म्स वही इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। सिर्फ डिफर करता है उनका जिनका पासपोर्ट मोर देन 3 इयर्स एक्सपायर हुए वो हो गया है, उसको बस एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह यूज होता है उसका, और कुछ नहीं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।